अशोकनगर जिले के विकासखंड ईसागढ़ के अंतर्गत ग्राम पिपरिया के ग्रामीणों द्वारा सोमवार को जिला प्रशासन को शिकायती आवेदन देकर गांव की प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को पदस्थ कराने एवं ताला खुलवाने की मांग की है ग्रामीणों ने अपने आवेदन में बताया कि विद्यालय में पदस्थ पूर्व अतिथि शिक्षक विद्यालय से हटते ही चोरी से सारा सामान ले गया एवं विद्यालय में ताला डालकर चाबी घर ले गया जब विद्यालय में पदस्थ नवागत शिक्षक विद्यालय पहुंचा, तो उसके साथ पूर्व अतिथि शिक्षक ने गंभीर मारपीट की तथा विद्यालय की चाबी देने से इनकार कर दिया तब ग्रामीणों ने यह शिकायत जिला प्रशासन से की है ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व अतिथि शिक्षक राधे श्याम यादव निवासी पाकरौल स्कूल पर कब्जा कर ताला लगाए हुए है तथा स्कूल का सारा सामान चोरी कर अपने घर ले गया स्कूल में पूर्व से कोई शिक्षक पदस्थ नहीं है अभी शासन द्वारा वीर सिंह यादव शिक्षक का स्थानांतरण इस स्कूल में किया गया है वह जब स्कूल आए तो राधे श्याम यादव उसके अन्य परिवारजनों ने उन्हें स्कूल की चाबी नहीं दी उसकी गंभीर रूप से मारपीट कर दी आरोपी दस दस लोगों को स्कूल ले जाता है और शिक्षक को जान से मारने की धमकी देता है इस घटना की रिपोर्ट थाने में कराई गई परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है हम सब गाँव वाले जब स्कूल जाते हैं तो आरोपी व उसके परिजन जो कि गांव में ही रहते हैं लड़ाई झगड़े पर आमदा हो जाते हैं ऐसी स्थिति में स्कूल न खुलने से उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द स्कूल खुलवाने राधे श्याम सहित उनके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है